हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ नया एक पार्क खुला है स्मार्ट सिटी वाराणसी के अंडर में। इस पार्क का नेम है राज नारायण पार्क वाराणसी, जिसकी टिकट प्राइस है 10 रुपीज़। और ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़े एरिया में आपका ये फैला हुआ है। वन बाय वन मैं करके आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा, तो वो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम प्रकाश साइबन और आप देखते रहिए अपना अपना चैनल Gentech21। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, ये एक पार्ट है। तो इस एक पार्ट में आप देख सकते हो जो फूडी लोग हैं, फूड ब्लॉगर्स, उनके लिए तो काफ़ी बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिल्क शेक्स हैं, स्नैक्स हैं और ब्रेकफास्ट हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। छोटा छोटा ये झोपड़ी टाइप का है, यहाँ पे आपको जो भी खाने वाले आइटम्स हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ स्टॉल्स अभी बंद हैं, कुछ ओपन हैं। तो कुछ नज़ारा कुछ ऐसा आप देख सकते हो, छोटे छोटे स्टॉल से आप यहाँ से आप ले सकते हो चीज़ें। और ये इस पार्क का इंड एरिया है, लोअर इंड एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी कंस्ट्रक्शन अभी और भी होनी बाकी है यहाँ पे। और आगे की चीज़ों को मैं और दिखाऊंगा मैं आपको वन बाय वन करके। ये नया कंसेप्ट है, मैं बहुत बाद दिन बाद आया हूँ माई फ्रेंड्स, और मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। देखिए ऐसी झोपड़ी आपको मिलेगी, चीज़ें आप खा सकते हो, प्राइसेस काफ़ी नॉर्मल यूजुअल हैं जैसे आपको बाहर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो माय फ्रेंड्स, कुछ ग्रीनरीज भी हैं, काफ़ी अच्छी लगी मुझको। आप इधर साइड आओगे तो आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए, आप थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हो, अंडरग्राउंड है थोड़ा। अंडरग्राउंड जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा व्यूज देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा कि आप लोग देख सकते हो माय फ्रेंड्स। ये अंडर कुछ ऐसा है, अंडर पास टाइप का है। आप इधर से जाओगे तो ऊपर चले जाओगे और इस साइड में आपका आप देख सकते हो ये काफ़ी चिल वाला एरिया है। अगर आप बहुत गर्मी लगी तो आप यहाँ ला सकते हो। और यहाँ पे कुछ लेजर शोज होते हैं टाइमली। अभी तो दिन का समय इसलिए अभी सब ऑफ है। तो आप देख सकते हो कुछ लेक टाइप कुछ ऐसा है, ऐसा देखने को मिलता है। वो उस साइड पे भी आप आराम से जाकर देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है माई फ्रेंड्स, देख सकते हो ये पूरा एरिया आप देख सकते हो। लेजर शो जब होता होगा तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा लगता होगा। और आपको अगर मैं दिखाऊं तो उस साइड आप देख सकते हो बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगहें दी गई हैं। यहाँ पर रिलैक्स चिल कर सकते हो आप, काफ़ी बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, आप आराम से चिल कर सकते हो। हालांकि अभी काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि छुट्टी का समय है नहीं, और अभी सुबह का समय है, रात को ज़्यादा भीड़ होती होगी। मैं भी आप देख सकते हो यहाँ बैठने वाला जो सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा है, आराम से बैठ सकते हो और चिल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एरिया है अपनी फैमिली के साथ आने का, और ये ज़्यादा दूर है भी नहीं। ये आपका है बेनियाबाग से थोड़ी सी दूरी पे वाराणसी में। उसके बारे में जो भी डिटेल होगा आप कमेंट्स में पूछ सकोगे, मैं आपको बता दूंगा। और भी चीज़ें अब मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो माय फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं जैसे चल रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं अभी वहाँ से आया हूँ, उस साइड से आते इधर साइड से आते हुए मैं इधर आया हूँ। और ये काफ़ी सर्कल एरिया में आपका बीच में एक उस साइड भी एरिया है। मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर देखूँगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस साइड भी आपको दिखाऊँगा। तो ये मैं चल रहा हूँ साइड से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक पाथवे भी है, आप ऊपर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। अगर आपको छांव चाहिए तो आप उस साइड से जा सकते हो। और आप देख सकते हो लेजर शो के साथ साथ वो बोटिंग वाली कुछ जो होती है आपको फैसिलिटी, वो भी अवेलेबल है। तो आप वो बोटिंग भी कर सकते हो। आई डोंट नो कि इस समय बंद क्यों है, हो सकता है कि सुबह के समय में खुला ना हो। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको डक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोटिंग करने का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कई चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पंजी जंपिंग भी है, लेकिन सारी चीज़ें अभी बंद हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगी।
अच्छा है, रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छी पार्क है ये, देख सकते हो माय फ्रेंड्स। वो साइड जाने के लिए माय फ्रेंड्स अभी आपका एंट्री बंद है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप का आपका लगा हुआ है उस साइड जाने के लिए, फिलहाल आप नहीं जा सकते। और थोड़ा ऊपर की साइड की हम बात करें तो अब हम चलते हैं सीधे। आप देखोगे माय फ्रेंड्स तो कुछ ऐसा है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अभी हम आए हैं उधर से घूमकर उस साइड से, कुछ देखने में ऐसा लगता है। यहाँ पे आपको कुछ झूले मिल जाते हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे काफ़ी ट्रीज लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी है, इको फ्रेंडली जोन है आपका। मैं आपको अभी उस साइड भी ले चलूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पंजी जंपिंग वाला भी एरिया है, आप यहाँ पे कर सकते हो। आप अगर एडवेंचर पसंद करते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे भी मिल जाते हैं, कुछ राज नारायण लोक बंधु, ये है आपका कुछ ऐसा मोनूमेंट टाइप, शायद इन्हीं के नाम पे पार्क का नाम रखा गया है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं पार्क के लेफ्ट वाले एरिया में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे, मतलब इसकी असली आपको पहचान, असली जो आप बोल सकते हो इसकी असली जो देखने वाली चीज़ है वो आपको रात में समझ में आएंगी, जब सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जलेंगी अच्छे से। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी रिलैक्सिंग करने वाली एरियाज हैं, आपको छोटे छोटे हॉट्स बने हुए हैं, और साथ में आपको इधर साइड में कुछ बनी हुई है, कुछ हो सकता है यहाँ पे भी कुछ शो चलता हो, काफ़ी अच्छा है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी बड़ी जगह है। आप उस साइड में आपको मैं दिखाऊं तो काफ़ी स्पेशियस प्लेस है, जहाँ पे आप आराम से कुछ खेलना उलना हो अपनी फैमिलीज के साथ, पिकनिक बनाना हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एरिया है, देख सकते हो इतना बड़ा जगह है, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो यहाँ पर, काफ़ी साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इधर से आप देख सकते हो कुछ नज़ारा ऐसा है जो पेंटिंग की गई है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता रहा था कि ये सारी जिमिंग इक्विपमेंट है, और ये आपके लेफ्ट साइड जो आपकी एरिया है पार्क्स की, वहाँ पर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ये है आपको इसको थोड़ा सा आप अपनी ओर खींचोगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। अगर जो फिटनेस फ्री पर्सन है वो जिम नहीं जाना चाहते हमेशा, और ऐसे कुछ चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं, तो पब्लिकली यहाँ पे ऐसी चीज़ें जिमिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है, जहाँ का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अपने आप को फिट रख सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी इनकी काफ़ी है, और देखने में काफ़ी नए लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल भरपूर कर सकते हो। जैसे ये हैं, खड़े होकर आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ जिम की सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलती हैं, आप आइए जिम कीजिए और अपने हेल्थ को बढ़ाइए। ये फायर डिपार्टमेंट का एक स्टोर लगता है मुझे, ये डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की गई इस पार्क की, मुझे अच्छी लगी, बट इसमें अगर आप दिन को आते हो तो कुछ खास देखने को मिलता है नहीं, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसा है। अगर मैं बात करूं तो इसको असली एक्सप्लोर करने के लिए मेरे ख्याल से रात को आना ज़रूरी है, आप रात में आओगे तो अच्छा आपको व्यूज़ मिलेंगे, बाकी अभी जो है कुछ ऐसा है देख सकते हो, मतलब काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये टाइम स्पेंड के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।